हेलो स्टूडेंट, मैं अजय सर और मेरे चैनल का नाम है अजय ट्यूटोरियल और मैं कर रहा हूँ आपकी मुश्किलें आसान। क्योंकि फिज़िक्स में आप लोगों को बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ होती है, बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता है कि वो कैसे पढ़ाई करें, कहाँ से स्टार्ट करें, और बहुत सारे कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट भी है जो उनको पता है कि इम्पॉर्टेंट है और बट उनको वो समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसे लोगों के लिए मैं ये वीडियो ला रहा हूँ ताकि तुम्हारे एग्ज़ाम के लिए कुछ हेल्प हो जाए। तो अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हो ये वीडियोस, और कुछ अगर स्पेशली तुमको डाउट आ रहा है, कोई भी स्टूडेंट हो, मैं सबके लिए ये कर रहा हूँ, अपने क्लासेस के बच्चों के लिए भी कर रहा हूँ और तुम्हारे लिए भी कर रहा हूँ। अगर तुम कुछ भी डाउट आ रहा है तुमको, तो तुम क्या कर सकते हो, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो या फिर मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हो, उसमें मेरा कॉन्टैक्ट नंबर अवेलेबल है। मैं वो वीडियो बना के तुमको देने की पूरी कोशिश करूँगा ताकि तुमको हेल्प हो जाए छोटी सी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। चैप्टर नंबर 7 हमारा स्टैंडर्ड 12th फिजिक्स का वे ऑप्टिक्स है और उसका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। राइट, ये इंटरफेरेंस का पार्ट है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में मेनली क्या करने वाले, दो क्वेश्चन होता है, फटाफट बताता हूँ तुमको। कम से कम मैं ये वीडियो कवर करूँगा, हमेशा ही मैं कोशिश रहेगी मेरी कि मैं तुम्हारे समय को थोड़ा कम से कम यूज़ कर पाऊँ ताकि तुम कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाओ। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को दो पार्ट में मैं डिवाइड करता हूँ तुम्हारे HSE की बुक को। इसमें पूरा यंग्स एक्सपेरिमेंट कवर होता है। एक होता है पहला एक्सपेरिमेंटल सेटअप, जो मैंने ऑलरेडी लिख लिया है क्योंकि वीडियो इसी पे बनाने वाला हूँ। दूसरा जो होता है वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, किसके लिए, फ्रिंज विड्थ के लिए और फ्रिंजेस का डिस्टेंस या पोजीशन के लिए। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन और इसके लिए पूरा डेरिवेशन है हमारे पास, मतलब 3 मार्क्स में ये भी पूछा जाता है और ये भी 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। तो दो क्वेश्चन कवर हो सकते हैं, लेकिन ये दूसरे क्वेश्चन के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, तो वो इस वीडियो को मैं नेक्स्ट वाले में डालने वाला हूँ। तो आज हम लोग जो सॉल्व करने वाले हैं ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, चलो स्टार्ट करता हूँ फटाफट। तो मैं इसको रफ कर दूँ पहले। ओके, तो मतलब थ्री मार्क्स का क्वेश्चन आज तुम लोग स्टडी करने जा रहे हो। तो डायरेक्टली मैं पहले तो यहाँ पे एक इमेज कॉपी करता हूँ। यंग्स डबल स्लिट तुम्हारे बुक का इमेज है। ओके, हाँ चलो आ गया, सॉरी थोड़ा सा डिले हो गया। हाँ ये देखो, ये इमेज पे ही मैं तुमको पूरा ही एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन कर दूंगा और बहुत ही इजी लगेगा तुमको ये इमेज। अब तुम बोलोगे इजी तो लगेगा, ठीक है समझ भी जाएंगे, बट एग्ज़ाम में कैसे लिखेंगे सर, तो वो भी मैं तुमको आइडिया दूंगा। तुमको क्या करना है, ये जो दिख रहा है तुमको डायग्राम में, जैसे मैं अगर मुझे लिखना रहे एज अ स्टूडेंट तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले बताऊँगा ये सोर्स क्या है। राइट, ये सोर्स के बारे में बताऊंगा, ये क्या दिख रहा है, इसके अंदर कॉन्वेक्स लेंस है, ये सोर्स है, मेन सोर्स है, और ये S1 S2 क्या किया है, दो पिन होल है, एक स्क्रीन लगा दिया आगे, उसको कवर कर दिया कम्प्लीटली और उसमें पिन होल किया। क्यों, क्योंकि एक ही सोर्स से दो सोर्स बना सके। तो ये एक सोर्स S1 हो गया अपना, एक सोर्स S2 हो गया, ये हो गया। अब इसके बाद में ये जो आगे का कंस्ट्रक्शन है इसको एक्सप्लेन करना है, तो इतने में ही एक्सपेरिमेंट, और ये बाद में स्क्रीन पे जो दिख रहा है, स्क्रीन पे जो पैटर्न बना हुआ है इसके बारे में कुछ लाइंस लिखनी है, तो इतने में अपना एक्सपेरिमेंट कवर हो जाता है। सबसे पहले मैंने बताया कि सोर्स ये क्या है, इसके बारे में लिखो कि हमारे पास एक सोर्स है और उस सोर्स को हमने कहाँ रखा है, फोकस पर रखा है, किसके, कॉन्वेक्स लेंस के फोकस पर। ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि हमको प्लेन वेव फ्रंट चाहिए, यहाँ पर प्लेन वेव फ्रंट चाहिए, और हमको पता है कि ये फोकस पर होगा तभी यहाँ से रेज जो आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, ये सारी रेज। राइट, ये रेज और इसके जो ये मिडल वाली प्रिंसिपल एक्सिस है, इससे इक्वी डिस्टेंस रखा है S1 को, इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस दोनों का सेम डिस्टेंस है। ये सब बताने के बाद यहाँ पर आगे जो है इसमें थोड़ी सी टेक्नैलिटी है, थोड़ा सा समझना है तुमको, ज़्यादा कुछ नहीं समझना है। देखो यहाँ पे
जैसे ये देखो यहाँ पे दो टाइप की लाइन दिख रही होगी तुमको, एक डॉटेड लाइन दिख रही है, ये वाली जो लाइन है ये डॉटेड लाइन है, ऐसे बहुत सारी लाइन्स हमारे पास, और दूसरा एक कंटिन्यूस लाइन है, राइट। ये डॉटेड और कंटिन्यूस का कॉन्सेप्ट ये है, सिंपल सा है कि हम जो ट्रांसवर्स वे में देखते हैं ना ऐसे, ये जो होता है ये क्रेस्ट होता है, ये ट्रफ्स होता है, बट हमारे डायग्राम में हम कैसे बताएंगे क्रेस्ट और ट्रफ्स, तो उसके लिए लिया है, क्रेस्ट के लिए लिया है कंटिन्यूस लाइन और ट्रफ्स के लिए है डॉटेड लाइन, ट्रफ्स के लिए लिया है डॉटेड लाइन ऐसे, राइट। तो क्रेस्ट और ट्रफ्स एक एक करके ड्रॉ करना है, कैसे, राउंडर में तुम्हारा छोटा सा रेडियस कंसिडर कर, जैसे वन सेंटीमीटर लिया तुमने, दोनों को सेंटर, S1 को S2 को दोनों को सेंटर मान के एक एक बार छोटा सा आर्क ड्रॉ किया ऐसे दोनों जगह से, राइट। फिर थोड़ा रेडियस बढ़ा दिया राउंडर के अंदर, ये 1 सेंटीमीटर था सपोज 1.5 कर दिया या 1.2 कर दिया, राइट। इस केस में ऐसे थोड़ा थोड़ा एक फिक्स अमाउंट में तुमको रेडियस बढ़ाते जाना है और आर्क ड्रॉ करते जाना है, बट इस बात का ख्याल रखना है कि पहला लाइन हमारा क्रेस्ट, दूसरा लाइन ट्रफ्स होना चाहिए, फिर से क्रेस्ट होना चाहिए और फिर से ट्रफ्स होना चाहिए, दोनों सोर्स से, S1 से भी ड्रॉ करना है ऐसा, S2 से ऐसा ड्रॉ कर करके तुम देख सकते हो तुम्हारे डायग्राम में क्या दिख रहा है। तुम्हारे डायग्राम में कुछ पॉइंट्स फॉर्म हो रहे हैं, ये जो रेड वाला पॉइंट्स है ना यहाँ पे ऐसा बताया गया है कि मिसमैचिंग हो रही है, मतलब ये डॉटेड लाइन और कंटिन्यूस लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है और यहाँ पे इंटेंसिटी कम हो जाती है क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस आता है और मिसमैचिंग होती किसकी, क्रेस्ट के साथ में ट्रफ्स आ गया है, इसका मतलब ये हुआ, ये ट्रफ्स, ये क्रेस्ट का ट्रफ्स, मतलब दो लाइट, या इंटरफेरेंस कब होता है, दो लाइट, तो दो लाइट हमने बनाया S1 S2 से दो लाइट आ रही है, लेकिन इस लाइट की क्वालिटी है कि ये कोहेरेंट है, वो तुम सीखते हो पैटर्न में, स्टडी पैटर्न वाले क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सिर्फ सिखा रहा हूँ ये पैटर्न कैसे फॉर्म हुआ है, तो जहाँ पर डॉटेड और डॉटेड या फिर ये अपना कंटिन्यूस लाइन फॉर्म हुआ है वो सब ब्राइट पॉइंट फॉर्म होगा और उससे ब्राइट फ्रिंज होगा, इसको मैं बोलूँगा ब्राइट फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज, और यहाँ पे स्क्रीन पे जो बनेगा ये वाला ये डार्क फ्रिंज है, राइट। डार्क फ्रिंज ब्राइट फ्रिंज ऐसे अल्टरनेटिवली फॉर्म होगा। ये काउंटिंग कहाँ से होती है, ये मैक्सिमम वाले को मैं जीरो कंसीडर करता हूँ समझो, तो अभी इसके ऊपर फर्स्ट डार्क ये रहेगा, फर्स्ट डार्क, फिर फर्स्ट ब्राइट ये रहेगा, तो मैक्सिमम, और तुम बोलोगे ये मैक्सिमम का क्या कॉन्सेप्ट है, मैक्सिमम का कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पर लाइट जब जो भी दोनों लाइट पहुँचती है सेम पाथ कवर करती है, सेम फेज वाली लाइट होती है जिससे मैक्सिमम मतलब ब्राइटेस्ट पॉइंट फॉर्म होता है, तो इसको सेंट्रल मैक्सिमम नाम देते हैं हम लोग, राइट। तो तुमको ये कॉन्सेप्ट समझ गया होगा कि ये सोर्स से को फोकस पे रखा कॉन्वेक्स लेंस से प्लेन वेव फ्रंट आगे बढ़ती है जो जिसके आगे हमने कवर कर दिया है और स्क्रीन से, और उसमें दो पिन होल किया है, नैरो पिन होल है और ये मिनिमम डिस्टेंस पर रखा है ये दोनों को एक दूसरे से, और फिर आगे दोनों दो सोर्स से लाइट एमिट होती है क्रेस्ट और ट्रफ्स के फॉर्म में, डॉटेड और कंटिन्यूस लाइन के फॉर्म में, और आगे जाके दोनों सोर्स के लाइट्स क्या करते हैं, इंटरफेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। इंटरफेरेंस के बाद हमको ये मिनिमम और मैक्सिमम कैसे मिलता है, ये इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मिनिमम में क्या हुआ होगा, क्रेस्ट और ट्रफ्स एक साथ आ गए होंगे जिसकी वजह से वहाँ पे इंटेंसिटी मिनिमम हो जाती है, और मैक्सिमम में क्या होता है, क्रेस्ट क्रेस्ट या फिर ट्रफ्स ट्रफ्स एक साथ आते हैं, तो मतलब मैचिंग हुई तो मैक्सिमम, मिस मैचिंग हुई तो मिनिमम, और ऐसे करके अल्टरनेटिवली हमारे पास फ्रिंजेस फॉर्म होते हैं। ये देखो छोटे छोटे ये जो डार्क पॉइंट्स बने हैं, डार्क और ब्राइट पॉइंट्स, जैसे ये ब्राइट पॉइंट्स है तो ब्राइट पॉइंट्स का कॉम्बिनेशन ब्राइट फ्रिंज बनता है, राइट। तो इस एक्सपेरिमेंट में तुमको इतना ही एक्सप्लेन करना है, डायग्राम अच्छे से ड्रॉ करना, जो कंस्ट्रक्शन मैंने बताया राउंडर के हेल्प से वो करना, और सिर्फ डायग्राम बहुत अच्छे से ड्रॉ करो और तुम उसको एक्सप्लेन करो मिनिमम लाइंस में, बहुत ज़्यादा लिखने की कंपोजिशन लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, थोड़ा सा लिखो और तुमको अच्छे से अच्छा मार्क्स इसमें सपोज 3 में से 2.5 या 3 तो मिल ही जाएगा, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन यही फिनिश करता हूँ मैं, इसके बाद इसी का मैक्सिमम, अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग करने वाले ये मैक्सिमम से कितना डिस्टेंस पर ब्राइट फॉर्म होता है, कितने डिस्टेंस पर डार्क फॉर्म होता है, राइट। तो ये सीखने वाले हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसीलिए मैं इसको यहाँ पर फिनिश कर रहा हूँ। तो ये अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर करो जिसको भी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में डाउट्स है, और तुम भी सीखो, और ये सीखने के बाद तुम टेक्स्ट बुक भी थोड़ा पढ़ लेना, देखो 2-4-10 मिनट यहाँ पे, 5 मिनट टेक्स्ट बुक पढ़ने में और तुम्हारा आंसर रेडी हो जाता है, ठीक है। और तुम बोर्ड के लिए प्रिपेयर हो जाओगे, कुछ तो इसके बारे में ज़रूर लिख पाओगे। ओके चलो, थैंक यू, बाय बाय।